हेलो एवरीवन, मैं हूं नेमत और आप नेमत खाना देख रहे हैं। आज की रेसिपी है कच्चे केले की टिक्की। आज आप इसे मेरे तरीके से बनाकर देखेंगे। मैंने 3 कच्चा केला जो कि बहुत ही टेंडर और फ्रेश है उसे उबाल कर रखा है। साथ में 2 हरी मिर्चों को काट कर डाला है। साथ में मैंने 1 मीडियम साइज प्याज को कतर कर डाला है और कुछ खुरच कर अदरक डाला है। साथ में 1/4 टीस्पून हमने हल्दी पाउडर लिया है, 1/4 टीस्पून धनिया पाउडर है, 1/4 टीस्पून ही गरम मसाला पाउडर है। ये गरम मसाला पाउडर हमारे चैनल पर मौजूद है, मैं लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने 1/4 टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा अमचूर पाउडर डाला है। अमचूर पाउडर में भी आयरन होता है। और यहाँ पर 1/2 टीस्पून मैंने भुने जीरे का पाउडर डाला है, ये भी बहुत ही हेल्दी हर्ब होता है। साथ ही मैंने 1 टेबल स्पून भर कर यहाँ पर सत्तू डाला है, भुने चने का बेसन। और यहाँ पर मैंने क्रश्ड चिल्ली डाली है जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है। आप यहाँ पर भरपूर हरे पत्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि पालक, धनिया, मेथी या मिंट। हमारे पास वो अवेलेबल नहीं था तो मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून कसूरी मेथी को दोनों हाथों से क्रश करके डाला है, ये भी इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। तो ये बहुत ही हेल्दी बने इसके लिए मैंने यहाँ पर भुने चने का सत्तू डाला है ताकि इसमें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी हो सके। साथ में ही बाइंडिंग के लिए मैंने यहाँ पर 1 एग वाइट इस्तेमाल किया है। जो लोग एग नहीं इस्तेमाल करते हैं वो यहाँ पर 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर डाल सकते हैं। एग वाइट में भी प्रोटीन होता है और बहुत ही इससे अच्छी बाइंडिंग होती है और ये डायबिटिक पेशेंट को भी बहुत हेल्दी होगा इसकी बनी हुई टिक्की। साथ में मैंने चूँकि भुने चने का सत्तू डाला है इसलिए ये इसमें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाती है। अभी ये फ्रेश केला बॉयल किया गया है इसलिए ये थोड़ा लिजलिजा हो रहा है, 10 मिनट में ही ये ड्राई हो जाएगा। अभी इसका टेक्सचर बिल्कुल मीट के कोफ्ते वाला है तो इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इसकी टिक्की बना लेनी है। साथ में मैंने ग्रीन पीस और स्वीट कॉर्न को चिपकाया है। ऊपर से चिपकाने का ये पर्पस है कि ये विजिबल रहे और अट्रैक्टिव लगे। इसे मैंने शैलो फ्राई किया है, आप चाहें तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल नहीं टूटेगा। तो इस तरह से आप बनाएं, खाएं और खिलाएं। उम्मीद है आज की रेसिपी को आपने बहुत इंजॉय किया होगा। तो मिलते हैं फिर किसी दूसरी ऐसी इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।